भजन नहीं चल रहा है। चल गया चल गया चल गया। Good morning. Good morning, Pop. ये क्या पहना है? ये तो फैशन है। कल ही जगली ने इंस्टा पे अपडेट किया था। ओके बाय पॉप। पहले मोबाइल का वो तभी अंग्रेजी का। बच्चों पढ़ाई अच्छे से करो। मम्मी हम खेलने जाओ पर अपना ध्यान रखना। बाय मम्मा। बाय पापा। बाय बच्चों। बच्चे खेलने चले गए हैं। आप अपना ऑफिस का काम कर लो, मैं भी अपना ऑफिस का काम करके आती हूँ। ओके फाइन। कल संडे है, कहाँ ले जा रहे हो? जब मैं शाम को ऑफिस से आ जाऊँ तब बच्चा आने के बाद हम देखेंगे। ओके। अरे सुनती हो पहलवान? आई। ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी नाश्ता लेके आओ। आ रही हूँ। पहलवान अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अरे प्रोमिता की मम्मी ने कल ही के रनवे का फोटो अपडेट किया था, वही देख रही थी। अरे पहलवान किसे कहा? अरे जनाब आपको। मुझे? आप भी ना। सुनिए आप ब्रेकफास्ट लीजिए, मैं अभी जाके बच्चों को बुला के आती हूँ। सेल्फी। ऑब्वियसली मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे यार नहीं आ रही है। मैं तो आऊंगी और इस बार मैं मुझे भी छीन के बताऊ। किसे कहते हैं हिप हॉप? हिप हॉप किसे कहते हैं? हिप हॉप हिप हॉप किसे कहते हैं? हिप हॉप हिप हॉप किसे कहते हैं? हिप हॉप हिप हॉप I'm different, yeah I'm different. I'm different, yeah I'm different. I'm different, yeah I'm different. Pull up to the scene with my cylinder missing. Pull up to the scene with my cylinder missing. अरे जैसे मीट लगी है क्या? चिकन खा के आई। मम्मा को बोलो तो मम्मा ही ले आएगी। मामा, मामा, मामा। नहीं शॉपिंग करने जाएंगे? हाँ चल। अभी नहीं, अभी शाम को चलते ना। मम्मा, मम्मा। हेलो बेटा। हेलो। अरे मम्मी तो कितनी पार्टी में गई है और तू क्या कर रहा है बदमाश? चलो हम बाहर होके आते हैं, अपना ध्यान रखना और दादाजी को परेशान मत करना। ओके दादी। ओके चल। कितनी सारी चीज है हमारे घर में, तो कुछ खाने की यहाँ तो सिर्फ खाली बर्तन है। ये तो
है ना दिविशा, चलो हम साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं। नहीं, हमें नहीं पढ़ना, हमारा मन नहीं है। पर क्यों? हमने कुछ खाया नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। बच्चों चलो अपन साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं, आओ मेरे साथ। वेरी गुड बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो? ऑल द बेस्ट। वेल डन बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो? और बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो, हाँ सिया, व्हाट, तू आज किसी पार्टी में क्यों नहीं आई? पता है तुमने इतना मजा किया ना, यू मिस्ड ऑल द एंजॉयमेंट। हाँ हाँ, अच्छा वो फ्लोरोसेंट म्यूजियम वाला? ओ नो नो नो, अरे लेडीज की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। हाय बच्चों। भैया बेटी आज वो दोनों नहीं आए। सर वो दोनों तो नहीं आए, और वो ढंग से पढ़ाई भी नहीं करते और उनका बिहेव भी अच्छा नहीं है। आरी, ब्यूटी, कहाँ तुम दोनों? कहाँ तुम दोनों? आरी, ब्यूटी, क्या कर रही है तुमने किचन की आलस? मैंने देखा है सब कुछ, और दिन भर फोन में लगे रहते हो। क्या कर रखा है तुमने सब किचन में? क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? आप जाकर देखिए माँ, देखो कितना गंदा कर रखा है किचन, पूरी तोड़ फोड़ कर रखी है किचन के अंदर। भाभी क्या हुआ? भाभी आप इनको इतने प्यारे बच्चों को क्यों डांट रही हैं? इन दोनों ने क्या काम कर रखा है और दिन भर फोन में लगे रहते हैं? खुद तो किटी पार्टी में जाते हो और हमारे लिए कुछ रख के भी नहीं गए। बहुत जवाब देने लगे हो, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम दोनों। इन दोनों ने कब फोड़ दिया है अंदर किचन के अंदर? ये कोई तरीका क्या बच्चों से बात करने का? वहां तो लोगों को बात करते हैं। सुनो बहू, आज मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ। वो एक बच्चा है, वो वही सीखेगा जो उसे अपने आसपास दिखाई देगा। पहले तुम लोग खुद को देखो, तुम्हें इन व्हाट्सएप और वो क्या है वो बुक, हाँ फेसबुक, इन चीजों से टाइम भी मिलता है। तुम खुद ही इस तामपुरे में इतना डूबे रहते हो तो बच्चों पे ध्यान ही कैसे जाएगा? आप प्रायोरिटी को सेट रखिए ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। व्हाट्सएप और फेसबुक से ज्यादा अपने परिवार और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए ताकि वो अकेला महसूस न करे या वो ऐसा महसूस न करे कि उनके माँ बाप उन पे ध्यान ही ना दे रहे हैं। पर हमारे मम्मी पापा तो वो कहते हैं ना, फैमिली कम्स फर्स्ट। टेक्निकल होना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बच्चे एक मिट्टी की तरह है, जैसा बीज बोगे वैसा ही पौधा उगेगा। मैं तो मदद थी हूँ और रहूंगी। अभी एक बात कहना चाहूंगी, उनके इस बिहेवियर का कारण यही है कि हम पेरेंट्स अपना टाइम उन्हें नहीं दे पाते हैं। मैं जानती हूँ कि सोशल लाइफ, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये सभी अपनी जगह सही है, पर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे और अपनी फैमिली है। तुम सही कह रही हो, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही आदि और द्विति पे ध्यान नहीं दिया, वरना आज उन दोनों का बिहेवियर ऐसा नहीं होता और वो इतनी बदतमीजियां कभी ना करते। बच्चे सिर्फ माँ बाप के प्यार के भूखे होते हैं, वो ही उन्हें ना मिले तो वो सिर्फ अपनी लाइफ मोबाइल और वीडियो गेम्स में ढूंढते हैं। प्रॉमिस मी भाभी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली और आपके बच्चे ही हैं। आई प्रॉमिस एवरीवन।